आइए सारे दोस्तों को मनोज त्रिवेदी का प्रणाम है। हमारे चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के फिर आपके बीच आने का प्रयास किए हैं। और आज के वीडियो में आपको देहात में बजने वाला ठेका, जो गांव घर में हम लोग बजाते हैं, कब बजाते हैं? होली में, क्योंकि होली भी बहुत नजदीक है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम है अभी, आप लोग को यदि होली का कुछ पैटर्न आपको दे दे तो आप रियाज करके अपने गांव में, घर में, समाज में या जहां भी आप हो, वहां होली में आप वंचित नहीं रहे बजाने से, वहां आप कुछ ना कुछ जरूर बजा दे होली में भी। तो आइए आज होली के ताल को लेकर के आपके बीच आए हैं। आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहे, अब फुल वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे वीडियो। अब वीडियो को देख करके और हाथ मिला करके रियाज करेंगे। बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं आज। छोटा सा बोल है लेकिन बड़ा मजा आ जाएगा। आप देखिएगा गांव देहात में वही बसता है। पहले हम जरा सा गुनगुनाते हैं, गुनगुना के आपको बताते हैं। देखिए, अवध में उड़ेला अबीर, अरे राम अवध में उड़ेला अबीर, अवध में उड़ेला अबीर, अरे लाला अवध में उड़ेला अबीर, आहो राम लखन दोनों भाई खेले, अवध में उड़ेला अबीर, राम। ये हुआ पारंपरिक लोकगीत में बजता है, एकदम छोटा सा ठेका है। इसको लेकिन फास्ट करना होगा, सीख तो लेंगे तुरंत 10 मिनट में, लेकिन आपको फास्ट करना होगा। फास्ट करेंगे तब बजाएंगे। इसको बहुत बारीकी से समझिएगा। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं भैया, आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। सीखना ना सीखना आपका काम है भैया, क्योंकि हम तो कहां है, आप कहां वीडियो देख रहे हैं, आप बजा रहे हैं कि नहीं, रियाज कर रहे हैं कि नहीं, ये तो हम देखने नहीं गए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है, रियाज यदि करेंगे तो आप जरूर बजाएंगे। आइए बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं टेक्निक। अवध में उड़ेला अबीर, अरे लाला अवध में उड़ेला अबीर, फर्स्ट फिंगर और ये बाया में चाप के, बाया दो तरीका से बजाते हैं हम लोग, एक ये खुला ठीक और एक चाप के। तो पहला चाप के मारना है, ये वाला ठीक है, गौर से समझिएगा। देखिए कुछ नहीं है, फर्स्ट फिंगर और ये दोनों को पहले मारना है, ता ता धी। तो ता मारेंगे तो ये फर्स्ट फिंगर किनारी पे लगेगा, और धी मारेंगे तो थोड़ा सा किनारी से हटके यहां पे लगेगा। बस यही टेक्निक है, ता धी न, इस लेसन में न यहां से निकलेगा। ये जो थ्री फिंगर, ये तीन फिंगर है, ये तीन फिंगर को यहां पे मारना है तब न निकलेगा, ठीक है। ये बोल हो गया ता धीन ने, पहले तो शुरुआत में आपको ऐसे बजाना होगा, ता धीन ने। जो दो चार दस बार बजाएंगे ना, पट से हाथ में आ जाएगा, कब इसको रफ्तार कर देना, ता धीन ने। एक फेज हो गया। अब इसमें जोड़ना क्या है, बहुत आसान ताल है, ता धीन ने, ताधीन एक बार, ताता दो बार, ताता, सेम फिंगर, सेम फर्स्ट फिंगर से सेम बजाता है, ताता धी धी में बोले थे थोड़ा सा डिस्टेंस हटा के, तो ताधीन ताता धीन हो गया, ताल दिया, ताधीन ताता धीन ताधीन ताता धीन दिन। अब ये पूरा बजेगा, अवध में उड़ेला अबीर, अरे लाला अवध में उड़ेला
जब हाथ में आ जाए दोस्तों, तो जरूर मेहनत करके इसको फास्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ताल है। ये चीज निकलेगा तुरंत नहीं होगा, लेकिन दो चार दिन आप मेहनत कर लेंगे तो होली में जरूर बजाएंगे। आइए एक छोटा सा पैटर्न और देते हैं जो होली में बहुत चलता है और बहुत लोग झूमने लगता है उस ताल में, वो झुमरा ताल टाइप का बजता है। तो आप ये भी ताल जरूर सीख लें आज के वीडियो में, ये भी हम सिखा रहे हैं। देखिए करना क्या है, धित्ता धित्ता, धी में घिसा लगेगा, इस तीन फिंगर से यहां मारना है, धी धी घिसा के साथ, धित्ता हो गया एक फेज, धित्ता हो गया एक फेज, धित्ता हो गया एक फेज। अब इसमें क्या जोड़ना है, धित्ता धी, फिर जोड़ना है धित्ता धी, पहले माना है धित्ता धी तित्ता, तित्ता में ये नहीं लगेगा, माना धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता धी, एक बार और धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता, धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता, ने 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 या ने 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 ने। समझ गए, हमको लगता है कि आप लोग नहीं समझे हैं, तो एक बार और, कहीं हमको चैन नहीं है, जब तक आपको समझाएंगे नहीं तब तक हमको चैन नहीं मिलता है, इसलिए एक बार और धित्ता धी तित्ता, देखिए धित्ता धित्ता धी तित्ता में बाया नहीं लगेगा, धित्ता धी तित्ता धी, धित्ता धी तित्ता धी, बस हो गया। होली का दो गो पैटर्न सीख लिए, मोटा मोटी गांव देहात में बजने वाला ठेका है ये, और बहुत अच्छे से होलिया, होली क्या खुला बाज बजता है, इसी में लोग झूमता है नाचता है गाता है। तो चलिए होली आ रहा था, 10-15 दिन हाथ में बचा है, 15-20 दिन, तो हम सोचे कि आपको यदि दे देते हैं तो 10-15 दिन रियाज कर लेंगे, तो आप गांव घर में जहां भी हैं आप होली में थोड़ा बहुत बजा लेंगे तो लोग आपको बोलेगा कि नहीं भाई चलो ढोलक सीख रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसी तरह सीखते रहिए, होली में पुआ खाना मत भूलिएगा, पुआ खाइए, मालपुआ खाइए, पूरी खाइए, सब्जी खाइए, खीर खाइए, जो भी व्यंजन बन रहा है उसको खाइए, और अपने से बड़े का आशीर्वाद वीर लगा के लीजिए। होली जम के खेलिए, मस्त होके खेलिए, मगन रहिए, खुश रहिए, गदगद रहिए, मस्त रहिए। आइए हमारे चैनल से जो भी भैया नए जुड़े हैं और नया नया वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट बार, यदि मेरा बताने का तरीका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छा लेसन लेके आपके बीच आने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें, प्रणाम।